भरत मिलाप आ गया है और यहाँ से प्रारंभ किया जा रहा है। प्रभु श्री राम जी का आज भरत मिलाप है भैया दूज का, जो कि भरत जी मिलने आए हैं अपने बड़े भाई श्री राम जी से और लोग का मिलन हुआ और यहाँ से भरत मिलाप दिखाया जाएगा। ये सुखबरसा मोहल्ला है, दूर से अब यहाँ पे पूजा अर्चना होगी। परंपराओं से चली आ रही है और यहाँ पे प्रभु श्री राम जी का जो है पूजा अर्चना की जाती है, जो कि ऐसे ही पांव धोकर किया जाता है और ऐसे ही सभी प्रभु का जो है कि पूजा अर्चना किया जाएगा। ये भैया दूज का भरत मिलाप है और यहाँ से सोमवर्षा से ये निकलता है और पूरे बाजार में दिखलाया जाता है भैया दूज का भरत मिलाप। प्रभु श्री राम अपने भाइयों से मिल गए हैं और ये यहाँ से भरत मिलाप निकालने की प्रस्थान की जा रही है और पूजा अर्चना की जा रही है। शस्त्र को पर पूजा होता है यहाँ पे। दीपावली के बाद भैया दूज आता है, भैया दूज पर बाल भरत मिलाप जो है इस 5:30 बजे निकलेगा यहाँ से होते हुए चारों तरफ नगर के कई रोड से मुकेरी बाजार होते हुए पक्की सराय मुकेरी बाजार होते हुए रामविलास का चौराहा तिरमुआनी नवाला के तबेला होते हुए कोतवाली घंटाघर होते हुए फिर आगे इधर लंका की तरफ जाएगा ये भरत मिलाप का। हम इसी पे कहते हैं चित्रकूट के घाट पे भाई संतन की भीड़ तुलसीदास चंदन घिसे तिलक करो रघुनाथ जरा देर ठहरो राम जरा देर ठहरो राम तमन्ना यही है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। बहुत बहुत ही अच्छा ये भाई साहब थे उन्होंने जो है कि बताया और यहाँ से भैया दूज का भरत मिलाप का सीधा प्रसारण आपको ले चलते हैं भरत मिलाप की ओर।
जो कि मिर्जापुर में चारों तरफ से बहुत ही पब्लिक जुटी हुई है, हमारे मोहल्ले से निकलता है, वहाँ काफ़ी भीड़ लगा हुआ है और पब्लिक इंतज़ार कर रहा है श्री प्रभु श्री राम की, जो कि दर्शन पाने के लिए। चलिए चलते हैं, आपको भरम मिलाप दिखाते हैं। पक्की सरैया मस्जिद के पास में खड़ा हूं, जो कि देख रहे हैं भरत मिलाप आ गया है और यहां से प्रारंभ किया जा रहा है श्री बाल भरत मिलाप कमेटी रामलीला कमेटी मिर्जापुर सोनबरसा सोनबरसा मिर्जापुर से ये निकाली जाती है और जो कि यहां से भरत मिलाप का प्रारंभ किया जाता है और नगर में चारों तरफ दिखाए जाते हैं जो इसका रूट है वो वहाँ पर दिखाया जाता है। ये भरत मिलाप गाँव गाँव से और दूर दूर से लोग आते हैं इसको देखने के लिए, काफ़ी भीड़ होती है। भैया दूज का माल भरम मिलाप अच्छा लगता है। भैया दूज का भरम मिलाप हर साल देखती है। हाँ, क्या नाम है? अनिता पांडे। ये भैया दूज का भरम मिलाप देखने के लिए काफ़ी लोग आते हैं और हम आपको भरम मिलाप यहाँ से प्रसारण की गई है और हम आपको चलते हैं दिखाते हैं पूरी भरम मिलाप। कहाँ से आई है? आप बताइए भरम मिलाप कैसा लगता है? अच्छा लग रहा है। अच्छा लगता है। क्या नाम है? रोशनी। भैया दूज का भरम मिलाप निकलता है, बहुत बहुत अच्छा लगता है। कहाँ से आए हैं? हम जिगना से आए हैं, नरैया बाजार से। नरैया बाजार। हाँ, नरैया नरैया बाजार। क्या नाम है आपका? अनिल कुमार गुप्ता। हर साल ये भरम मिलाप देखते हैं? हाँ। ये भरम मिलाप भैया दूज का बहुत दूर दूर से लोग आकर देखते हैं। भाई साहब बताइए। हाँ, अच्छा लगता है भाई। अच्छा लगता है। इसमें क्या क्या होते हैं? यहाँ ये रामनगर से देखने आए। ये रामनगर से आए हैं? मेजा रामनगर। अच्छा, और ये बताइए कैसा रहता है इसमें? बहुत अच्छा रहता है, मतलब बच्चों का प्रोग्राम रहता है। अच्छा लगता है। जो कलाकार हैं, जो बच्चे रहते हैं, वो सजे हुए रहते हैं भगवान के रूप में और लोगों को भाता है और भगवान श्री प्रभु श्री राम जी का दर्शन करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं, ऐसा होता है भैया दूज का भरम मिलाप। आप लोग जरूर देखिए भैया दूज का भरम मिलाप। माध्यम से आपको रंगारंग सभी भरम मिलाप दिखाते रहे हैं और इस बार भी भैया दूज का भरम मिलाप दिखा रहे हैं, जो कि लाख देख रहे हैं आप, यहां से निकल चुका है और आपको पास
दिखाने के लिए हम काफ़ी प्रयास और मेहनत करते हैं, लोगों से बात करते हैं, और वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक जरूर करिएगा। ये बालाजी फॉर यू अच्छा लगता है। ये रंगारंग कार्यक्रम बच्चों का कार्यक्रम है, बहुत अच्छा लगता है, बच्चों लोग को भी अच्छा लगता है। क्या नाम है आपका? सुनीता जायसवाल। आप बताइए मिलाप कैसा रहता है? बहुत अच्छा रहता है, बच्चों का, हाँ बच्चों के मेल से हो जाता है, बच्चों को हाँ। बहुत अच्छा लगता है। काफी भीड़ लगा हुआ है जो कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे बड़ा मिलाप निकल गया, लेकिन लेडीज पर्स का भीड़ बहुत ज्यादा है, बच्चों का भीड़ बहुत ही अच्छा भीड़ है और सभी लोग इसमें जुड़े हुए हैं। बच्चों का रंगारंग कार्यक्रम है जो कि भगवान श्री राम जी का झांकी निकलता है। हमारा नाम विश्व गुप्ता है, ये बहुत बड़ा अति उत्तम है, यहाँ बड़ा मिलाप बहुत भीड़ लगता है भाई, ये बड़ा मिला एकदम खासी बड़ा मिला हुआ है, बस भैया दूज का बड़ा मिला हुआ है बस। भैया दूज काफ अच्छा लगता है, यहाँ बहुत भीड़ रहता है। जय श्री राम। कार्तिक पूर्णिमा दिन निश्चित से उनकी आयु भी बढ़ गई होगी। अब मैं सदा सिंदूर का प्रयोग करके प्रभु को प्रसन्न रखा करूंगा। हनुमान, ये कौन सी लीला रच रहे हो? प्रभु, ये मेरी लीला नहीं है, ये तो मैया का दिया हुआ ज्ञान है। प्रभु, आपको खुश करने के लिए ही मैंने अपने शरीर पर सिंदूर लगाया है।